देश की 18वीं लोकसभा की आम चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है और 7 चरण में मतदान होने वाले होते हैं, जिसका आगाज 19 अप्रैल शुक्रवार से हो जाता है, जहां पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके बाद दूसरा चरण आता है, जहां अब आगामी 26 अप्रैल को अन्य राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में जब केंद्र की बात आती है, जब बात आती है लोकसभा चुनावों की, तो एक पुरानी कहावत जहन में आती है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, यानी कि दिल्ली में केंद्र की सत्ता पे पहुंचना है, केंद्र की सत्ता पर काबिज होना है, चाहे अकेली पार्टी पहुंचे चाहे कोई गठबंधन पहुंचे, उससे पहले लखनऊ से होकर गुजरिए, यानी कि लखनऊ वाले इस उत्तर प्रदेश को फतेह करना है, क्योंकि देश की 543 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 80 सीटें उत्तर प्रदेश में ही आती है। ऐसे में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में छिड़े सियासी संग्राम को लेकर, आखिरकार बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज़ आप देख रही हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। तनुज हमारे सहयोगी हैं, बात करेंगे तनुज से। तनुज, उत्तर प्रदेश पर बात अगर हम करें तो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से अखिलेश यादव से गठबंधन अपना तोड़ा था, और गठबंधन तोड़ने का कारण ये था कि वो चाहती थी कि अखिलेश यादव उनकी मां कृष्णा पटेल को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाकर आगे भेज दे। इस पर अखिलेश ने सहमति नहीं जताई और उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। अब गठबंधन तोड़कर ओवैसी के साथ गठबंधन किया, चुनाव चिन्ह निकाल के लाई अपना लिफाफा, लेकिन चुनाव आयोग ने उस लिफाफे को फाड़कर अपनी जेब में रख लिया, इस रूप में कि यहां पल्लवी पटेल ने अपनी पार्टी का जो आर्थिक आय का ब्यौरा था वो पेश नहीं किया और उनका चुनाव चिन्ह अब जब्त कर लिया। अब ओवैसी ने भी उन्हें अपना चुनाव चिन्ह देने से मना कर दिया, तो पल्लवी पटेल अब बीच मझधार में फंस चुकी है। क्या उनके लिए किनारा नजर आ रहा है आपको? जी देखिए, पूरी तरह से जो है पल्लवी पटेल जो है अपने ही जाल में कहीं ना कहीं फंस चुकी है। जी, ये बात जरूर कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को अपने जहन में रखनी चाहिए थी कि भाई मैं पूरी पार्टी है मेरी, मैं अपने लिफाफे के साथ जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जा रही हूँ, ऐसे में अपनी पार्टी का जो पूरा ब्योरा है संपत्ति का उसको ही आप नहीं खोलते, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत में आने वाला होता है। अब ऐसा ही हुआ, जाकर चुनाव अब पहुंची चुनाव आयोग, चुनाव आयोग ने उनके चुनाव चिन्ह को ही पकड़ लिया, रख लिया अपने पास। अब क्या करेंगी, बुरी फंस चुकी है। अखिलेश यादव के पास जाती है तो अखिलेश यादव भी बहुत मुश्किलों से देखिए कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते नजर आएंगे, आते हैं नहीं भी आते हैं, बिल्कुल, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कहीं ना कहीं बोलती आई है पल्लवी पटेल। अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बता दिया, ये तो बहुत बड़ा इल्जाम था अखिलेश यादव के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी की कर लेती कि क्या अपनी बहन के साथ जाना पसंद करेंगी पल्लवी पटेल, तो उसमें भी कहीं ना कहीं रास्ते बंद नजर आएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन के साथ अगर छोड़कर बीजेपी में जाएगा तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर उंगली खड़ी कर सकता है, उंगली को बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े कर सकता है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को कतई एक्सेप्ट नहीं करेगी कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल खड़े हो, तो बीजेपी से भी कहीं ना कहीं रास्ते पूरी तरह से मुझे तो बंद नजर आ रहे हैं। अक्षय, मैं आपको बता दूं, वही बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी ने क्या गठबंधन था, उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वाने के लिए ही मना कर दिया, तो जितना गठबंधन में प्यार था, जितनी मोहब्बत थी इस गठबंधन के अंदर, वो निकलकर जनता के सामने आ गई। तो पल्लवी पटेल जो है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है। शायद पल्लवी पटेल जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदती हुई नजर आ रही थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उस गड्ढे में वो खुद ही गिर गई है। बक्से, बिल्कुल, यहाँ पर स्थिति बेहद ही अब डामाडोल वाली नजर आ रही है पल्लवी पटेल की, और इस तरीके से अब तमाम सवाल उन्हें लेकर उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश के साथ वापस चली जाएंगी या फिर अपनी बहन अनुप्रिया के साथ हाथ मिलाते हुए एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेगी। ऐसे में जिस तरीके से बात चल रही है पल्लवी की, तो सवाल मेरा ये रहेगा, जनता भी जानना चाहती है कि पल्लवी पटेल अगर अखिलेश यादव के साथ जाती है तो क्या अखिलेश यादव उन्हें सीटें, चाहे 7 नहीं 1-2 ही, क्या उन्हें कुछ सीटें सौंपने को राजी हो जाएंगे? अब देखिए, मुझे तो जो आसार दिखाई दे रहे हैं, अक्षय, वाकई में आपको बोलूं तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मुझे तो नहीं लगता कि एक्सेप्ट करेंगे। यदि आपने एक ऑप्शन रख दिया कि अगर अखिलेश यादव एक्सेप्ट कर लेते तो क्या 1-2 सीट देंगे, देखिए 1-2 सीट तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को देनी पड़ेगी अगर वो एक्सेप्ट करते हैं उनके इस ऑफर को, उनकी समस्या को समझते हैं। लेकिन फिर अखिलेश यादव, जनता का भी ना एक भरोसा होता है, जनता का वो भरोसा कहीं ना कहीं टूटने लगेगा कि जो नेता अब तक आपके ऊपर आरोप लगा रहा था, जो नेता आपको भारतीय जनता पार्टी
पार्टी का एजेंट बोल रहा था, उसको उसके साथ आपने हाथ मिला लिया। हाँ, लेकिन सवाल यह है आपका कि एक या दो सीट या तीन सीट कितनी सीट देंगे। तो देखिए, हद से जिस तरह की स्थिति इस समय पल्लवी पटेल की बनी हुई है, उन्हें तो अगर अखिलेश यादव एक सीट पर भी चुनाव लड़वा दे तो ये पल्लवी पटेल के लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप दो तीन का तो बात छोड़ ही दीजिए, एक सीट, सिर्फ एक सीट पर भी अगर अखिलेश यादव उनके साथ गठबंधन के लिए राजी हो गए तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव अब इस चीज को समझेंगे पूरी तरह से। उनको दिख गया है कि पल्लवी पटेल की राजनीति क्या है, क्योंकि गठबंधन दोनों का रह चुका है। जिस तरह के आरोप गठबंधन टूटने के बाद पल्लवी पटेल ने लगाए, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो व्यक्ति उनका व्यक्तित्व है उस पर भी उंगली कहीं ना कहीं उठाता है। तो अखिलेश यादव बहुत मुश्किल आसार लगते हैं कि मुझे उनके गठबंधन को देखने को मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर मुश्किल आशार लगते हैं कि अब अखिलेश यादव यहाँ पल्लवी पटेल को वापस अपने साथ गठबंधन मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर तमाम दर्शकों को बता दें कि पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के सामने उत्तर प्रदेश से जब 10 राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन दोनों दलों की ओर से होना था, सपा और बीजेपी की ओर से, अखिलेश से पल्लवी ने मांग रखी कि आप समाजवादी पार्टी के आधार पर समाजवादी पार्टी की ओर से मेरी मां कृष्णा पटेल को राज्यसभा भेज दीजिए। इस पर पल्लवी पटेल की इस मांग पर अखिलेश ने पूरी तरीके से अपनी असहमति दर्ज कर दी थी और पल्लवी इतनी नाराज हो गई कि एक वक्त तो आया कि दोनों के फोन पर तीखी नोकझोंक हो गई थी। हालांकि बाद में पल्लवी पटेल ने यह बयान जरूर दिया कि राज्यसभा चुनावों के दौरान उन्होंने सपा के समर्थन में ही अपना वोट डाला। ऐसे में तनुष, जिस तरीके से तमाम सवाल चल रहे हैं, बात जैसे कि जारी है, तो पल्लवी पटेल को लेकर एक सवाल, एक विकल्प ये भी निकलता है कि क्या वो अपनी बहन अनुप्रिया पटेल के साथ चली जाएंगी यहाँ एनडीए गठबंधन में, क्या संभावना लगती है इसकी? देखिए, पल्लवी पटेल तो चाहेंगी कि उन्हें कहीं ना कहीं से तो चुनाव मिल जाए, चाहे किसी भी गठबंधन में मिले, चाहे इंडिया अलायंस में हिस्सा मिले, चाहे एनडीए में हिस्सा मिले, चाहे अखिलेश यादव, कुछ भी वो तो चाहेंगे कैसे भी कर। इस समय जो सिचुएशन है, बस ये कि कहीं से भी चुनाव लड़ लूं। जिन पर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी लोकसभा चुनावों को लेकर, अब मैं चुनाव ना लड़ने के जैसे आसार बनते नजर आ रहे हैं पल्लवी पटेल के, तो वो तो ये चाहेंगी। लेकिन बीजेपी, देखिए एनडीए की जो आला कमान, मैं बता दूं आपको, पूरी बागडोर बीजेपी के हाथ में है। ऐसा ये सोचना गलत होगा कि एनडीए में जो इतने सारे दल मिले हुए हैं सबके डिसीजन खुद ले सकते हैं, खुद डिसीजन नहीं ले सकते हैं। बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी है और शायद तभी ये जाकर एक एनडीए गठबंधन बना है, जिसको देश का सबसे बड़ा गठबंधन भी बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो अपनी बहन के साथ भी जाना अगर ऑप्शन में रखती है और वो जाती है उनके साथ, तो उनकी जो बहन है उनको जाकर पहले बीजेपी से कहीं ना कहीं पूरी तरह से बातचीत करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, बीजेपी बहुत मुश्किल आसार है कि बीजेपी इस बात को समझे, क्योंकि जिस तरह से वो विरोध में बोलती है, ये हिंदुओं के विरोध में तक वो बोलती है, और बीजेपी तो हिंदूवादी पार्टी कही जाती है, तो ऐसे में बीजेपी बहुत मुश्किल नजर आएगा कि उनको एक्सेप्ट करे। बिल्कुल, यहाँ पर संभावनाएं अब बेहद कम है कि एनडीए का हिस्सा भी पल्लवी पटेल बन जाए। अब देखना यहाँ पर ये रहने वाला है कि पल्लवी पटेल क्या कुछ विकल्प निकालती नजर आती है, क्योंकि केवल अपनी राजनीतिक दल, अपनी पार्टी का सालाना आय का ब्यौरा ना देना उन पर इतना भारी पड़ जाएगा, ये खुद पल्लवी पटेल को उस बात का अंदाजा नहीं होगा। और साथ निभाने का गठबंधन के तहत वादा करने वाले ओवैसी ने भी पतंग के डोर की तरह अपना साथ काट लिया। अब देखना है पल्लवी पटेल क्या कदम उठाती है और क्या इसका सूबे की राजनीति पर असर पड़ता है। आपका क्या कुछ मानना है पल्लवी पटेल के संभावित आगामी कदम उठाने को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9 News।